लॉरेंस लैब की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर अब रिवर्सल के साइन आपको क्लियरली दिखेंगे। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप्स हायर बॉटम दिखेंगे। डेली चार्ट 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल नहीं रहा है, इसलिए 390 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉरेंस लैब में बने रही है 450 रुपए के टारगेट के लिए। अच्छा मानस जी, सरकारी बैंकों की बहुत चर्चा होती है, उसमें छोटे मझोले में तो बड़ी तेजी बनती है, आपकी पसंद का सबसे बढ़िया सरकारी बैंक कौन सा है? देखिए मेरी नजर उन स्टॉक्स पे है पीएसयू बैंकिंग में जो एफएनओ में है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पीएनबी, ये तीनों स्टॉक चार से बेहतर लगते हैं। लेकिन अगर केवल एक स्टॉक की ही चॉइस हो, मेरे को एक स्टॉक लेना हो पीएसयू बैंकिंग में इन तीन स्टॉक्स में से, तो मैं पीएनबी पे बैठ लूंगा, क्योंकि पीएनबी में हमने पहले अंडर परफॉर्मेंस देखा था और अब जिस तरह के रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, आई थिंक बाउंस बैक भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर 1 साल का टाइम फ्रेम रखें तो पीएनबी में 100 रुपए के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है, तो पीएनबी में तो अभी भी निवेश करना चाहिए। 54 रुपीज के स्टॉप लॉस से निवेश करिए 100 रुपए के टारगेट के लिए। पसंद का स्टॉक पीएनबी, 54 का स्टॉप लॉस, 100 के टारगेट। अरविंद गोयल जी मुंबई से हमारे साथ हैं, उन्होंने सवाल पूछा है, सीडीएसएल 100 शेयर ले रखे हैं उन्होंने 1300 के प्राइस पे, सिंस लास्ट 8 मंथ्स, पिछले 8 महीने से होल्ड कर रहे हैं ये सीडीएसएल। बिल्कुल, तो देखिए इन्होंने पोजीशन बना के रखी है, थोड़े हायर लेवल पे रखी है, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से 900 रुपए से अब स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। अभी कुछ दिन पहले डिप देखने को मिला, स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से ये नया मूव है, इस मूव के टारगेट 1350 रुपए तक के आते हैं, तो बने रहिए पोजिशन में, 1120 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, 1100 के नीचे स्टॉप लॉस। भारतीय एयरटेल का चार्ट दिखाइए जरा, भारतीय एयरटेल ना चलता है फिर रुक जाता है, फंस जाता है, 900 पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और गिरिराज जी ने एक बेट लिया है 890 वाली, या 890 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है इन्होंने 9 रुपये पर एक लॉट सितंबर एक्सपायरी तक के लिए। क्या लगता है आपको भारतीय एयरटेल इनको मोटा पैसा बना के देगा? देखिए स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, और जब भी हमने करेक्शन देखा है तो स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं कर रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, इन्होंने ऑप्शन में ट्रेड लिया, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू मैं इनको देता हूँ। मेरे हिसाब से 900 रुपए तक के टारगेट्स आपको भारतीय एयरटेल में वापस देखने को मिल सकते हैं, इसलिए 859 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजिशन में बने रहिए और 900 रुपए के टारगेट सेट करिए, तो आप ऑप्शन में इस दोनों टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ओके, टारगेट स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, मोमेंटम फास्ट होना चाहिए तभी पैसा इसमें बनेगा। अच्छा मेरे ही नाम के एक नीरज गर्ग हैं बुलंदशहर से, उन्होंने एक सवाल भेजा ट्विटर पे, जी एंटरटेनमेंट के शेयर उन्होंने ले रखे हैं 278 पर, स्विंग ट्रेड के लिए। देखिए स्विंग ट्रेड के लिए अगर पोजीशन बनी है तो बिल्कुल बना के रखिए, 20 डे मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस बनाइए, 260 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि शायद आपको 300 रुपए तक के भाव जल्द देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज और ऐड करूंगा, अगर आप मंथली चार्ट पे या डेली चार्ट पे जाएंगे तो एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है, जिस रिवर्सल के टारगेट आने वाले 12 से 15 मंथ की बात करिए तो शायद आपको 360 से लेकर 400 रुपए तक की रेंज भी दिखा सकते हैं, तो स्टॉक में पोटेंशियल है। निवेश के नजरिए से अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 220 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 400 रुपए के टारगेट सेट करने हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप अपनी पोजिशन में बने रहिए, 260 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, पहला टारगेट 300 रुपए और उसके ऊपर शायद 315 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्विंग ट्रेड इसमें बनेगा तो बहुत तगड़ा बनेगा इसमें, क्योंकि न्यूज जीवन भी है और जिस तरह के मानस कह रहे हैं कि इसमें बन सकता है अच्छा मोटा, इसमें रिटर्न आ सकता है। जितेंद्र प्रजापत ने, अच्छा नए वाले शेयर है मानस, नाइका 135 पर, कैंपस 288 पर, लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं ये। देखिए इन दोनों स्टॉक पे बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है, लेकिन नाइका के बारे में मैं केवल इतना बोलूंगा कि देखिए नाइका ने बेस बनाने की कोशिश की है, पिछले करीब आप 6 मंथ देख लीजिए पैटर्न, तो 120-125 के नीचे स्टॉक नहीं फिसल रहा है, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद हमें नेक्स्ट मूव में 155 रुपए तक के भाव तो देखने को मिल जाएंगे। अब अगर 155 के भाव देखने को मिलेंगे तो उसका मतलब होगा कि आप मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखेंगे, हायर टॉप हायर बॉटम कंफर्मेशन देखेंगे, और अगर ऐसा होता है तो कम से कम 220 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो पोजिशनल बेसिस पे बने रहिए, 120 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए नायका में। कैंपस की जहां तक बात है, देखिए कैंपस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, लोअर लेवल पे स्टॉक सपोर्ट नहीं ले रहा है, हाई लेवल पे जो 100 डे मूविंग एवरेज है उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है, तो जब तक ये 325 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा कोई बड़े मूव की उम्मीद मत करिए, और अगर आपके पास पोजीशन है तो मेरी राय में 280 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 280 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, और ये वाला सेक्टर बड़ा ना कॉम्पिटिटिव हो गया है, शू वाला, तरह तरह की कंपनी आ गई, तरह तरह के प्राइस रेंज आ गए हैं, और ब्रांडेड में भी इतना जबरदस्त डिस्काउंट आजकल मिलता है कि लोग उधर भी जा सकते हैं। अच्छा एक सवाल लेते हैं,
स्कैम्स का, ये सवाल भेजा विवेक ने। अभी हमने CDSL की चर्चा की, तो CDSL तो ठीक लग रहा है और उसमें होल्ड करना चाहिए, लेकिन कैम्स में इनका सवाल ये है कि इन्होंने 10 शेयर खरीदे हैं 2760 रुपये के प्राइस पे और पिछले 4 अक्टूबर 2021 से होल्ड कर रहे हैं, और ये स्टॉक जो है ना फंस जाता है बार बार, इनको लगता है 2600 के ऊपर जा ही नहीं पाता, क्या करें कैम्स में? देखिए ये सही है कि स्टॉक में 2600 से लेकर 2700 की रेंज में बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखते हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो इसको ब्रेक करना जरूरी है अगर स्टॉक को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश होना है। बट फिर भी क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट पे ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है, मेरी राय में तो यहाँ पर चांस लेना चाहिए, पोजिशन में बने रही है। 2300 रुपए पे मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, वहां पर 20 वीक, 50 वीक और 100 वीक मूविंग एवरेज आता है, इसलिए 2300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। एक बार ये इस रेंज को ब्रेक कर लेगा, 2700 रुपए की रेंज को ब्रेक कर लेगा, तब तो आपको 3400 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो आई थिंक चांस लेना चाहिए, बने रहिए और स्टॉप लॉस बहुत पास में ही है, 2300 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पर टारगेट बड़े हैं 3300 से 3400 रुपए तक। करेक्ट, और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग, जितना ज्यादा पोर्टफोलियो बढ़ेगा म्यूचुअल फंड का तमाम चीजों का, तो कैम्स को बहुत फायदा उससे होता है, और देखिए एक नया प्लेयर भी आ रहा है तो उसका भी फायदा इनको मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक से वापस आके फिर सवाल जवाब से आगे बढ़ाते हैं। खन के नन्हे कदमों की आहटें तेरे सपनों की गूंज को उड़ान दे। कल के सपने पूरे करो आज, रहो एक कदम आगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ। खन के नन्हे कदमों की आहटें चढ़ के सीढ़ी उनको तू उतार दे, ओ तू उतार दे। स्वागत है एक बार फिर से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आज हम ले रहे हैं सोशल मीडिया के सवाल। आज कॉलर की बजाय सोशल मीडिया से ज़्यादातर क्या सारे सवाल वहीं से ले रहे हैं, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकें, और मानस जी की मदद मिल रही है, वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सवाल भेजते रहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा। प्रीति झा सुप्रजीत इंजीनियरिंग का व्यू चाहती है लॉन्ग टर्म के लिए, एवरेज बाई इनकी है 426 पर। तो देखिए सुप्रजीत पे बने रहिए, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज पे बहुत सारा सपोर्ट दिखता है, तो 407 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर बने रह सकती हैं। पैटर्न पॉजिटिव है, आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल 450 के लेवल्स को टेस्ट करने का है, तो बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस 407 होगा। 407 के स्टॉप लॉस से सुप्रजीत पे बने रहिए। रोहित अग्रवाल ने टाटा पावर 190 से 260 की रेंज बता रहे हैं, आपको रेंज से क्या लेने देना, आपने 195 में खरीदा है, अब क्या करना चाहिए, 195 में इन्होंने खरीदा है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और काफी समय से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है, आई थिंक बहुत जल्द हम यहाँ पर ब्रेकआउट देखेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए मेरी राय में यहाँ पर बने रहिए, 240 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और कम से कम 295 के टारगेट से करने। ओके, एक और सवाल पावर का ही है, CESC उसमें क्या करना चाहिए, 78 की बाइंग है। तो देखिए 78 की बाइंग है, पहला काम करना है 80 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और आपके जो टारगेट सेट करने हैं वो 100 से 102 रुपए की रेंज में रहेंगे। 100 से 102 रुपए तक CESC आ सकता है, ये भी एक पावर ही कंपनी है। अच्छा अगला सवाल है नितिन जी का, नितिन जी ने रेन इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर 200 के भाव पे खरीदे और HCC भी खरीदा है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, 2000 शेयर 21 के भाव पर, 2 साल से होल्ड करके बैठे हुए, क्या करें इसमें? तो देखिए HCC की जानक बात है नीरज जी, अब आप अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आपको वहां पर कंफर्मेशन दिखेगा हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, और ये कंफर्मेशन काफी समय के बाद देखने को मिला है, स्टॉक बुलिश लग रहा है, 210 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है, 160 के स्टॉप लॉस से रेंज में बने रहिए, HCC में भी बने रहना है क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वो पॉजिटिव लगते हैं और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको पोजिशनल बेसिस पे आने वाले 3 से 6 महीने के बीच में 40 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी पोजीशन बना के रखिए, 23 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अच्छा मानस जी, HCC, सुजलॉन, यस बैंक, वोडा आइडिया और IEX, इसमें सबसे बढ़िया आपको कौन सा लगता है? तो देखिए पहले दो मैं स्टॉक की बात कर लेता हूँ, आइडिया और यस बैंक, इन दोनों पे सलाह नहीं रहेगी खरीदारी करने की, या तो कभी गिरावट देखने को मिले तो वहां पर आपको खरीदारी नहीं करनी है।
सुजलॉन में आपने बात की, तो सुजलॉन का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, एससीजी का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, तो इन दोनों में मैं कंफर्टेबल हूँ। आई थिंक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। पांचवा स्टॉक मैं भूल गया आपका, ईएक्स, मैं वो वाले पूछ रहा हूँ जिसमें लोगों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती है, आईएक्स। ओके हाँ, तो देखिए आईएक्स में अभी कुछ दिन पहले ही रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, और अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है। 200 डे मूविंग एवरेज एक बार ब्रीच हो जाएगा, 140 से 145 रुपए के ऊपर निकलेगा, तब आप इसमें पोजीशन बनाइए, क्योंकि जब इतना बड़ा क्रैक था तो जब करेक्शन देखने को मिलेगा ऊपर के साइड पे तो वो भी बढ़िया होगा, और उस केस में शायद आपको 180 से लेकर 200 रुपए तक की रेंज देखने को मिल सकती है। केवल इंतजार करना है 145 रुपए के लेवल्स को ब्रीच करने का, उसके ऊपर 130 के स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे 200 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये पांचों स्टॉक मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसमें बहुत लोगों की दिलचस्पी रहती है, भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, तो आप ध्यान से रखिएगा मानस जी ने जो आपको राय दी है। एक सवाल है त्रिदीप साहा का, इन्होंने जीएसएफसी के शेयर ले रखे हैं 50, 140 के प्राइस पर, टारगेट क्या होगा इसका तो देखिए फ्यूचर? लॉन्ग टर्म चार्ट पे बेहतरीन लग रहा है नीरज जी, और एक बड़ा रेजिस्टेंस 180 रुपए का जो था जीएसएफसी की आपने बात की, राइट? हाँ, स्टेट तो वो फर्टिलाइजर, रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्रैच ब्रेक हो चुका है। 180 का एक अहम रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच किया है। इस ब्रेकआउट के टारगेट 240 रुपए तक के आते हैं, तो पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक पे बने रहिए, और ध्यान रखिए 170 और 165 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, तो 165 के स्टॉप लॉस से 240 के टारगेट के लिए आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। अच्छा माना जी गोकुलदास एक्सपोर्ट के चार्ट देखिए, पिछले दिनों इसमें बड़ी रैली आई थी जब उन्होंने वो डील क्रैक की थी, 2 दिन तक खूब चला स्टॉक, फिर थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ, अब कैसा लग रहा है गोकुलदास एक्सपोर्ट? मैं स्टॉक के चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ नीरज जी। ओके ओके ओके, चलिए नहीं मिलता छोड़ दीजिए नहीं ठीक अगला। है, ओके रुकिए रुकिए मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ तो देखिए स्टॉक की जहां तक बात है, स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन अब अगर आपने तब खरीदारी नहीं की जब हमें एक क्लियर ब्रेकआउट 550 और 560 की रेंज में देखने को मिला था, तब आपने खरीदारी नहीं की है, तो अब तो नहीं खरीदारी करनी है, अब आप लेट हो चुके हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजिशन है तो ये सही समय नहीं है प्रॉफिट बुकिंग करने का। प्रॉफिट बुकिंग आपको तभी करनी है जब कोई ऊपर रिवर्सल का साइन देखने को मिले। रिवर्सल का कोई भी साइन नहीं है, 690 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने बने रहिए, एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है, और अगर अब 850 के लेवल्स ब्रीच होंगे तब आपको 990 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो जो जिन्होंने पोजीशन बना के रखी है वो बने रहिए, बना बना के पोजीशन रख सकते हैं, लेकिन अभी अब मेरे हिसाब से फ्रेश खरीदारी करने का टाइम निकल गया। नई एंट्री का टाइम निकल गया है, लेकिन अगर आप पहले से निवेशित हैं तो बने रहिए, काफी ऊंचे टारगेट मिल सकते हैं। सतीश यादव ने रेलटेल खरीद लिया है 241 पर 100 शेयर। तो ठीक है खरीद लिया तो कोई ठीक है, करेक्शन देखने को मिला है पिछले 3 दिनों में, लेकिन कहीं पर भी रिवर्सल के साइन नहीं है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो वो 290 की रेंज में आते हैं। तो रेल टेल का ट्रेंड पॉजिटिव है, इस करेक्शन पे भी आप पोजिशन बना सकते हैं। 190 रुपए जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है वहां स्टॉप लॉस लगाइए, और 280-290 की टारगेट। तो ये रह रही थी रेल टेल में, रेलवे स्टॉक्स बड़े फ्लेवर में है आजकल, बढ़िया चल भी रहे हैं। राहुल पवार जी ने लेकिन अलग राय ले ली है, उन्होंने गोल्ड फाइनेंस कंपनी मुथूत फाइनेंस के 1300 शेयर लिए हैं सितंबर मंथ के। CEL का मतलब क्या हुआ? हमारे ख्याल में इन्होंने वो लिया है, कॉल लिया है, डबल एल गलत दिख गया है, 1300 स्ट्राइक का कॉल है इनका 26 रुपए पर। तो मैं कैश के लेवल्स बता देता हूं, अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए क्योंकि पोजीशन बनाई गई है तो केवल आपको इंतजार करना है 1300 रुपए के लेवल्स को ब्रीच करने का। अगर ये 1300 रुपए का के ऊपर निकलेगा तब तो आपको करीब 1340 1350 तक की रैली देखने को मिलेगी, लेकिन स्टॉक पे लोअर लेवल पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज पे है, तो आई थिंक ऑप्शन में बने रहिए। 1264 1264 का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे जाए तो अपनी कॉल की पोजिशन से निकल जाइए। 1300 रुपए के ऊपर 1340 तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो अगर आपको 1340 के भाव देखने को मिले तो अपनी कॉल की पोजिशन में प्रॉफिट बुक कर ले। ओके, तो ये राय बन रही मुथूत फाइनेंस में। एक सवाल, सीओ सीओ नाम से हैंडल है कोको, लेकिन इनका हम लोग शायद जवाब नहीं दे पाए, ये पूछे जियो फाइनेंशियल में क्या करना चाहिए? अब इसका तो चार्ट भी नहीं बनाया ढंग से, तो मनोज जी इसका जवाब नहीं दे सकते, और मैं दूंगा नहीं क्योंकि हमको अलाउड नहीं है, तो मैं इसको किसी दिन और किसी फंडामेंटल शो में रखूंगा जहाँ पे एनालिस्ट होंगे, तो फिलहाल ये वाला छोड़ देते हैं। मनोज जी बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए और बहुत सारे जवाब देने के लिए। तो ये है तस्वीर इस वक्त के मार्केट की, जहाँ पे हमारे फेवरेट मिड कैप फिर सेंचुरी मारने के लिए तैयार है, 92 पॉइंट ऊपर चल, 95 हो गया। अब लीजिए, अब वीरू ने उसे कहा था कि क्या बने, तो हमने कहा आज मिड कैप ही चलेंगे फिर से एक बार।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।